DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. आज है विश्व पर्यावरण दिवस, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार इस विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई कहां से थी? शायद नहीं. चलिए हम आपको बताते हैं. स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में साल 1972 में आज ही के दिन पहले पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व के 119 देशों ने भाग लिया था. तब विश्व में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार 1974 में इस दिवस को मनाना शुरू किया था. तभी से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है. लेकिन इस साल का पर्यावरण दिवस पिछले वर्षों की तुलना में अलग है, क्योंकि बीते 3 माह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन में वायु प्रदूषण की मात्रा में बेहद कमी आई है. जल शुद्ध है, हवा साफ है और भूमि पर भी कचरे की मात्रा कम है. वहीं दूसरी ओर विश्व में जब पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी चिंताओं को जाहिर किया था. और ऐसी ही चिंताएं अब आपको और हमको भी करनी चाहिए. इसलिए एमटीटीवी इंडिया आप सभी से अनुरोध करता है कि इस महामारी के दौरान जो हमारे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है उसे पुनः खराब ना करें. ऐसी वस्तुएं जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं उसका प्रयोग ना करें. प्लास्टिक का प्रयोग न के बराबर करें. ये आपसे अनुरोध है. चलिए अब आपको मिलाते हैं अजमेर में लंबे समय से काम कर रहे एक पर्यावरण प्रेमी से. सुनिए सिद्ध भटनागर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं. आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर साल 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर आज के दिन पर्यावरण संरक्षण में कुछ ना कुछ योगदान देता है. कुछ ड्राइंग एवं रैलीज के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. कुछ लोग पेड़ लगाते हैं, कुछ लोग पुराने लगाए पेड़ों के रख रखाव करते हैं, कुछ लोग बर्ड्स के लिए बर्ड हाउस लगाते हैं, परिंदे बांटते हैं. तो आज के दिन जो पर्यावरण संरक्षण का लिए जो एक अपन कदम उठाते हैं, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि केवल 5 जून नहीं, हम हर दिन को पर्यावरण दिवस की तरह बनाएं. और आज से शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा मौका है. मैं आज इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने लेवल पर भले ही छोटा सा ही कोई कदम क्यों ना हो, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए हम कोई ना कोई कदम आज से उठाएं. हम लोग प्लास्टिक को 3 R's रिड्यूस रीयूज रिसाइकल करने में भी अपना योगदान करें. और जिस प्रकार पूरे समुद्र का स्वाद और उसकी एक छोटी सी बूंद का स्वाद भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार कोई बहुत बड़ा अपन कोई प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा कोई कार्य करें पर्यावरण संरक्षण के लिए, या कोई बहुत छोटा सा हम कार्य करें, दोनों में से जो हमें अनुभूति होगी, जो हमें जो गुडनेस, जो पॉजिटिव वाइब मिलेगी, वो सेम होगी. तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने स्तर पर सभी लोग आज के दिन से शुरुआत करें और भले ही छोटा सा कोई कार्य क्यों ना हो, पर्यावरण संरक्षण में ज़रूर अपना योगदान दें. आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं.